हेलो लर्नर्स, आई एम आर्ची। क्या आपको सब कुछ आता है, यू हैव कंटेंट, लेकिन फिर भी आप आंसर नहीं लिख पाते हैं? क्या आपको ये नहीं समझ आता मैं कहाँ से शुरू करूँ आंसर, कहाँ एंड करूँ, कैसे लिखूँ? सो आज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेक्चर लेके आई हूँ मैं आपके लिए। द लेक्चर टॉपिक इज़ आंसर राइटिंग। सो आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है, आंसर कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सब हम इसमें देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो एग्जाम पैटर्न, आंसर राइटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि हम किस लिए एग्जाम आंसर राइटिंग कर रहे हैं। सो उसके लिए हमें एग्जाम पैटर्न होना, पैटर्न का पता होना ज़रूरी होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में किस मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के आंसर राइटिंग वो डिमांड कर रहा है, उसी हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए आंसर राइटिंग की। नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग, क्या आंसर राइटिंग से हमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों सीखें, क्या ये स्किल है, कोई काम की है, नहीं है? तो आप ये सोच लीजिए कि जितने भी आपके मेंस एग्ज़ाम्स हैं, जो भी आपके रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें आंसर राइटिंग का बहुत इम्पॉर्टेंस है। जो भी प्री होता है वो रिजेक्शन का एग्ज़ाम होता है, उसमें मोस्टली रिजेक्ट होते हैं। लेकिन जो मेंस होता है, राइटिंग एग्ज़ाम होता है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। अगर उसमें मार्क्स आपके क्लियर अच्छा आएगा तभी आप उसमें क्या पर कर पाएंगे, एक्सेल कर पाएंगे। सो ये है आंसर राइटिंग की इम्पॉर्टेंस। आंसर राइटिंग करने के लिए कुछ हमारी प्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो क्या है आंसर राइटिंग? हम आंसर राइटिंग आज से ही करने बैठे और आज हमारा परफेक्ट आंसर बनके तैयार हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? सो उसके लिए क्या है, हमें कुछ बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो क्या है वो बेबी स्टेप्स? तो सबसे पहले हमें अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। हमें कुछ आता होगा तभी हम लिखेंगे ना, इफ़ वी हैव समथिंग इन हैंड, हमारे घर में कुछ है खाने को बनाने को, तभी हम कर पाएंगे, उसे खा पाएंगे। सो सेम चीज़ कि हमें सिलेबस के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। रीड थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के, पिछले सालों के हैं, तो उसे पढ़िए, उसे पता लगाइए किस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपके सिलेबस में से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ताकि आपको जो भी आता हो क्वेश्चन आपका किसी टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन पे पूछ लिया, आपको उसके बारे में पता ही नहीं, लेकिन वही क्वेश्चन क्या है, कई बार प्रीवियस ईयर में आना आ चुका है, रिपीट हो चुका है, तो वो क्वेश्चंस को आप बाय हर्ट कर सकते हैं। बिल्ड योर नॉलेज बेस, आपका नॉलेज बेस स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको फिलिस्तीन इसराइल फिलिस्तीन वॉर पे आ गया क्वेश्चन, लेकिन आपको पता ही नहीं है। सो इसलिए क्या है, आपको अपना नॉलेज बेस बनाकर चलना होगा। नेक्स्ट नोट मेकिंग, नोट मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और ये आंसर राइटिंग से कैसे रिलेटेड है? नोट मेकिंग, जब आप नोट मेकिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, इस तरीके से नोट मेकिंग करते हैं जिस हिसाब से आपको माइंड में याद रखना होता है, वही चीज़ जो आपके माइंड में रेडी है तो आप रेडीमेड आंसर्स अपनी नोट से कॉपी करके लिख सकते हैं, याद करके रिमेंबर करके लिख सकते हैं, ठीक है? सो वही चीज़ आपकी नोट्स में जो होता है ना, वो हमारी कई बार मेमोरी बन जाती है। सो वही चीज़ है आंसर राइटिंग में हमें हेल्प करती है नोट मेकिंग। अब न्यूज़पेपर आर्टिकल एनालिसिस, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें क्या होता है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल सबको पढ़ना ज़रूरी है, उसके एनालिसिस करना ज़रूरी है, उसमें क्या बताया गया है, क्या ओपिनियंस हैं, नेगेटिव साइड्स क्या हैं, पॉजिटिव साइड्स क्या हैं, ये सब हमें पढ़ना पड़ता है। न्यूज़पेपर तो बेस्ट मीडियम है हमें अपडेट रखने का हमारे सराउंडिंग से। जो न्यूज़पेपर मस्ट है आपके लिए, और न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उससे हमें पता लगता है कि कैसे लिखा जाता है, क्योंकि बहुत ही रिनाउंड पर्सन वहाँ पे लिखते हैं। सो टेक केयर ऑफ दैट। रिवीजन एंड प्रैक्टिस, नेक्स्ट स्टेप इज़ रिवीजन एंड प्रैक्टिस। हमें जो भी पढ़ा है उसका रिवाइज करना ज़रूरी, रिवाइज इसका देखिए जो वर्ड है वो अपने आप को बता रहा है कि पढ़ना नहीं है, रीरीड नहीं कहना, ये रिवीजन कह रहा है कि मतलब जो भी आपने पढ़ा था सिर्फ उसे देखना है, रिवीजन करना है, ठीक है? एंड प्रैक्टिस, तो ये क्या है, इसे हम आगे डिटेल में देखते हैं। देखिए तो हमारा रिवीजन प्लान कैसा होना चाहिए, कि आज हमने कोई फर्स्ट रीड किया, एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें उसे सेकंड रीड देना है, ठीक है? तो इस सेकंड से हमें रिविजिट करना है, रिवाइज करना है, सो दैट्स द सेम थिंग। फिर 15 दिन के गैप के बाद हमें थर्ड रीड देना है। इससे क्या होगा, जो हम रीड की एक मंथ में क्या है, हम तीन बार थ्री रीड्स कर लेंगे, तो इसी चीज़ से क्या होगा, एक जो हमारा जो ब्लर हो जाएगा ना, मेमोरी ब्लर हो जाता है हर कुछ टाइम के बाद,
तो वही चीज़ है, हम उसे रिविज़न करके क्या कर सकते हैं, उसे अच्छे से रिकैप कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग। तो आप खुद बताइए कि जो सीरियल्स वगैरह हम देखते हैं, कुछ भी एपिसोड्स देखते हैं, तो उसमें रिकैप क्यों करवाया जाता है? इट्स इंपॉर्टेंट। देखो स्टोरी भी याद करनी है तो उसके लिए भी रिकैप करना पड़ेगा। ये तो हमारे इतने इतने बड़े बड़े बुक्स होते हैं, उसे याद करने के लिए भी हमें रिविज़न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, फ्लो चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, डायग्राम्स हैं, इनसे क्या कर सकते हैं आप अपने आंसर को इंट्रैक्टिव बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जब एक फ्लो चार्ट आपने बना दिया, एक तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ बड़े बड़े काफ़ी लिखने में। तो हमें पता है कि जो भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, स्पेशली कॉलेज एग्ज़ाम्स, तो उसमें हमें क्या होता है, लिखना होता है, ज़्यादा पेजेस भरने होते हैं, तो वो फ्लो चार्ट में एक ईजिली एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो एक होता है ना अटेंशन गेनिंग, तो वो अटेंशन हम फ्लो चार्ट से गेन कर सकते हैं एग्जामिनर की। टेबल्स हम ऐड कर सकते हैं, कुछ स्टैटिक्स डाल सकते हैं, डायग्राम्स ऐड कर सकते हैं। कितना अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ मुझे बताएं और एक डायग्राम बना के दे दें, तो मैं क्या प्रेफर करूँगी, डायग्राम। सो दैट्स द सेम थिंग कि आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। और क्या यूज़ कर सकते हैं, कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेशंस का यूज़ कर सकते हैं, कोटेशंस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप आंसर कोटेशन के साथ शुरू करते हैं, कोई स्पीच है या ऐसे है, आप कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, कोट के साथ, तो कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है ना। तो वही चीज़ है कि ये सब चीज़ें क्या है, अपने आंसर को इंट्रैक्टिव अट्रैक्टिव बनाती हैं। फाइन, अब क्वेश्चन डायरेक्टिव्स, क्वेश्चन डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, जो भी क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में एक वर्ड दिया होता है जिसे हम WH वर्ड भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, तो उसे हम अच्छी सी भाषा में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टिव्स। तो क्वेश्चन क्या डायरेक्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टिव्स। तो कैसे होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया है आपको, एनालाइज कीजिए इसका। एनालाइज का मीन्स इट, यू हैव टू टेक पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, आपको दोनों लिखने हैं, क्लियर। दोनों पॉइंट्स को एनालाइज करना है कि आप क्या सोचते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेक अ कंक्लूजन। तो वो होता है एनालाइज। नेक्स्ट, कमेंट कीजिए, एक्सप्रेस करिए अपने व्यूज़ को। कोई भी चीज़ है आप, फॉर एग्जांपल ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, कोई भी आपने वीडियो देखा, सो कमेंट डाउन योर व्यूज़, अपने व्यूज़ बताने हैं, वो आपके नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं। हाँ, ये कहा जाता है कि आपको अपने एक व्यूज़ जो है वो एक न्यूट्रल लाइन में लेके जाने होते हैं, उसे ना ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ, और कंक्लूड न्यूट्रल करना होता है। तो इस तरीके से आप कमेंट कर सकें कि सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ए पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं, लेकिन सामने वाला जो सेट कर रहा है वो क्या है, बी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर है, तो वो आपको मार्क्स कम देगा। सो ह्यूमन नेचर, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ह्यूमन नेचर। क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए, तो वो क्रिटिकली मीन्स नेगेटिवली, कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि चाइल्ड मैरिज है, उसका क्या क्रिटिकली उसे एनालाइज कीजिए, क्या उसके इम्पैक्ट्स पड़ते हैं एक ह्यूमन की लाइफ में, तो वो क्रिटिकली मतलब नेगेटिव पॉइंट्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन खुद पूछ रहा है कि नेगेटिव होके बताओ, तो आप उसमें पॉजिटिव नहीं डाल सकते, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ क्या है हमारा, डिस्कस कीजिए, डिस्कशन करना है। तो डिस्कशन में क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और साथ में हम लास्ट में क्या हो जाता है, कंक्लूजन भी डाल देते हैं कहीं कहीं। तो वही चीज़ है कि डिस्कस हमें पता लग गया क्या होता है, डिस्क्राइब क्या होता है, डिटेल में सब कुछ चीज़ें डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब, ठीक है। डिस्क्राइब मतलब लिखिए डिटेल में, क्लियर, डिटेल में लिखना है, डिस्क्राइब अबाउट योर गुड फ्रेंड, ठीक है, या फिर डिस्क्राइब योर अबाउट योरसेल्फ, डिस्क्राइब योरसेल्फ, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिस्टिंग्यूश का मतलब क्या, डिफरेंस बताइए, ठीक है, डिफरेंशिएट, तो ये थोड़ा क्या है, सिमिलर से वर्ड है, डिस्टिंग्यूश कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। सो इसके क्या है, आपको मतलब एक चीज़ के बारे में बताना है कि हाँ ये ठीक है, ये ऐसा है, ये तो ऐसा होता है लेकिन ये ऐसा होता है, वो चीज़ क्या है, डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। एग्जामिन कीजिए, डॉक्टर एग्जामिन करते हैं तो क्या पता लगाता है, ठीक है, हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आपको इसके बारे में क्या पता है, तो वो एग्जामिन करता है, एक छोटी से छोटी चीज़ों को हमें उसमें पॉइंट आउट करना होता है। इन्यूमरेट का मतलब ये होगा कि आपको जो भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताइए, नंबराइज करके आपको कंटेंट जो है वो लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। तो ये चीज़ होता है कि पॉइंट्स गिनाइए आप हमें, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो
न्यूमरेट कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, इट मीन्स कि एक्सप्लेन मतलब जो भी हमारा टॉपिक है उसको प्लेन लैंग्वेज में बताना है. तो वो क्या हो गया, एक्सप्लेन. इल्यूसिट, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें फुल एक्सपेंड करके बताना होता है, ठीक है. इवेल्यूएट, इवेल्यूएट करना है, मतलब चेक करना. इवेल्यूएटर होता है ना, तो क्यों क्या करता है, चेक करता है. क्या चेक करता है कि सही है या नहीं, जो भी आपको फॉर एग्जांपल कोई स्टेटमेंट दे रखी है आपको ये बताना है कि वो सही है या नहीं, तो वो चीज़ क्या हो गया, इवेल्यूएट. इवेल्यूएट, और यहाँ तक आई गेस आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है. अगर कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे मेरे लेक्चर में सो कमेंट डाउन कीजिए, फाइन. तो डीकोडिंग द क्वेश्चन, डीकोड करना क्वेश्चन को. कई बार क्या है हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ आता, डीकोड ही नहीं कर पाते, तो आंसर गल के है. हमें आया नहीं क्वेश्चन समझ, ठीक है, हमें आता नहीं पेन चलाना, हमसे कह रहे हैं कि ऐसे लिख के बताओ भाई, नहीं होगा ना. तो पहले क्या है, हमें बेबी स्टेप लेना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा. कई बार कईयों को प्रॉब्लम आती है ट्रांसलेशन में, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें प्रॉब्लम आती है. कई बार क्या है कि हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ आता, उसकी लैंग्वेज इतनी घुमा घुमा के ट्विस्टेड लैंग्वेज होती है, तो वो चीज़ को भी डीकोड करना पड़ता है. डीकोड करने के काफ़ी तरीके हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें उसे तोड़ तोड़ के क्या करें, एक क्वेश्चन लें, उसे लाइक मेन मेन जो कीवर्ड्स होते हैं उसे अंडरलाइन करते जाएं, उन्हीं मेन पॉइंट्स को सेंटर में रख के हम अपना आंसर लिखें. तो ये क्या होता है, एक काइंड ऑफ टेक्निक है डीकोड करने की क्वेश्चन को, ठीक है. डीकोडिंग द आंसर, आंसर को डीकोड कैसे करना होता है. अब आंसर का है फॉर एग्जांपल एक बेसिक स्ट्रक्चर है. क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है सबको पता है, इंट्रोडक्शन डालो, बॉडी डालो, देन कंक्लूजन डालो, ठीक है. इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ आंसर, ठीक है. उसमें क्या है, लेकिन ये इतना आसानी से तो नहीं हो जाता है ना, तो इसके लिए काफ़ी चीज़ें और भी ज़रूरत होती है हमें. फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दिया मैंने कि इंट्रोडक्शन होता है, देन बॉडी होती है, देन कंक्लूजन होता है, थ्री स्टेप्स होते हैं. तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है. कंटेंट, कंटेंट है वो कैसा डाल रहे हैं, आपकी क्वालिटी कंटेंट कितना है. आप वो टेंथ क्लास के लेवल के बच्चे का कंटेंट डाल रहे हैं कि प्री पीएचडी लेवल का डाल रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है आपके ऊपर. आपको कंटेंट जितना अच्छा होगा और उतना ही आप अच्छा अगर प्रेजेंट कर देंगे तो आपको सक्सेस सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता. तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है. तो कई क्या होता है कि ना जो मार्जिन दिया होता है ना, फॉर एग्जांपल मार्जिन दिया होता है जो भी नोटबुक्स होती हैं, तो उसके बाहर लिखते हैं, उसके बाहर पॉइंट्स डालते हैं, तो वो गलत है. जो भी आपके सब पॉइंट्स हैं उसे अंदर डालिए. सिर्फ आंसर नंबर बाहर होना चाहिए, और जो भी सब पॉइंट्स के जो होते हैं नंबरिंग होती है वो उसे अंदर की तरफ रखना है. तो ये भी प्रेजेंटेशन का एक रूल है. प्रेजेंटेशन का ये रूल है कि जो जितना आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो दूसरे मार्जिन को टच करते हुए लिखना है, ठीक है. एंड जो अगर आपका आंसर ख़त्म हो रहा है तो उसके नीचे आप वन या टू लाइंस का गैप लिव करके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर आंसर है उस पर जाएंगे. तो ये क्या होते हैं, बेसिक जो होता है, जो फॉर एग्जाम्पल थ्रू आउट आपकी जो भी आंसर शीट है उस पर आपको सेम राइटिंग रखनी है. ऐसे नहीं कि आप कहीं तो कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं, कहीं पे क्या कर रहे हैं कि कर्सिव राइटिंग में लिख रहे हैं, तो ऐसा सब नहीं चलेगा, ठीक है. तो आपको एक प्रेजेंटेशन रखनी है थ्रू आउट, कंसिस्टेंट प्रेजेंटेशन रखनी है. ऐसे नहीं है कहीं आपने कुछ और यूज़ कर लिया, कहीं कुछ और, तो वो चीज़ क्या है, बहुत बुरी लगती है, बहुत भद्दी लगती है, तो उस चीज़ से हमें बचना है. तो अब क्या आ गया, सॉल्ट ऑफ द आंसर राइटिंग. हमने सब्जी बना ली लेकिन उसमें नमक नहीं डाला, चलेगा क्या, अच्छा नहीं लगेगा ना. तो सॉल्ट क्या है आंसर राइटिंग का, क्या सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है जिससे टेस्ट आएगा, तो वो अभी हम देखते हैं. तो अगर हम अपने आंसर्स में फैक्ट्स डाल दें, स्टैटिस्टिक्स डाल दें, फैक्ट डाल दें, कोई डाटा डाल दें, तो वो कितना अच्छा लगेगा. गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में डाल देगी, हाँ ये क्या बोलते हैं, एजुकेट चाइल्ड पे हमारा क्वेश्चन आ गया, हमें पता था कि हाँ ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चल रही है गवर्नमेंट की, हमने डाल दिया. और काफ़ी योजनाएं हैं जैसे उजाला योजना है सरकार की, या ये सब हम डाल देते हैं तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा इंप्रेशन डलता है एग्जामिनर पे, भाई इसको ये भी पता है, मनरेगा का पता है, ये पता है, वो पता है, बहुत कुछ पता है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, इसके साथ नंबर बनते हैं. तो नेक्स्ट क्या है,
कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस के डाल दें, हमारा ये आर्टिकल है, ये यहाँ से लिया गया है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग राइट टू लाइफ का दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अगर जजमेंट्स एंड लॉज डाल देंगे तब तो हमारा जो जो भी है ना क्या आंसर, वो तो ऐसे निखर के आएगा ना, मज़ा आ गया, हाँ बिल्कुल टिप टॉप। तो वो चीज़ें हैं कि अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये क्या है, हमारे सॉल्ट ऑफ द आंसर राइटिंग है, याद में और भी है, ठीक है, थोड़ा और स्वाद अनुसार नमक। तो अब जितना नमक डालेंगे इसमें क्या है, जितना नमक डालेंगे आपका उतना स्वाद बनेंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स भी डाल सकते हैं इसमें, अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट्स हैं, जैसे UNO की रिपोर्ट में कुछ लिखा है तो वो डाल सकते हैं, रिवलेंट डालना है, ऐसे ना हो कि कुछ भी डाल रहे हैं आप, कोई रिवलेंट आंसर है तभी आप डालिए उसमें, अदरवाइज कुछ भी मत लिख जाइए, ठीक है। आपसे पूछा कुछ और है आप बता कुछ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, क्या पता आपका क्रॉस ही कर दे वो आंसर, जीरो दे दे, तो वो चीज़ से बचना, ठीक है, ज़्यादा डेढ़ शियाने मत बनना, उस चीज़ से बच के रहना। तो गवर्नमेंट कमेटीज़ एंड देयर रिपोर्ट्स, कोई गवर्नमेंट की कमेटी है उसकी कोई रिपोर्ट्स आ गए, ठीक है, जैसे सेक्स रेशो पे कोई रिपोर्ट आ रहा है, ठीक है, और भी काफ़ी, जैसे अभी काफ़ी कोविड केसेस हैं उसका रिपोर्ट आ गया, तो ये सब चीज़ों का आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैप्स के बारे में कई होता है ना, UPSC एस्पिरेंट बहुत बताते हैं, मैंने ना इंडिया का मैप बनाना सीख लिया था, उस पर मैंने पॉइंट आउट कर दिया, मुझे मार्क्स बहुत अच्छे मिले, हाँ वो सब चीज़ों को भी बहुत बेनिफिशियल होता है इस सब चीज़ों का। फ्लो चार्ट्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि हाँ फ्लो चार्ट तो जान डाल देते हैं आंसर में, तो वो चीज़ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डायग्राम्स, ठीक है, डायग्राम में क्या है, जान होती है, डायग्राम आप डाल देते हैं ना, तो जो है हमारी मेमोरी है वो पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा याद रखती है, ठीक है, तो वो चीज़ डाल सकते हैं, एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं जिससे आप रिलेट पाए कर पाए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डालेंगे तो बेस्ट है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हमारे जो बुक में दिया है, ठीक है, बुक वॉर्म ही बनना है कि वही एग्जाम्पल जो भी हम आसपास भी देखते हैं तो वो एग्जाम्पल्स पे हम डाल सकते हैं, कोट कर सकते हैं, डेफिनेशंस डाल सकते हैं, ये तो सदाबहार है, कहीं भी डाल देना, लेकिन रिवेलेंट हो, ठीक है, डेफिनेशंस डाल दो, कीवर्ड्स डाल दो कुछ, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे नेशनल GDP का पूछ लिया, आप GDP के बारे में बता रहे हो, नेशनल इनकम में पूछ रहे हो, तो ग्लोबलाइजेशन है उसके बारे में आपको बता दिया, कि LPG के बारे में आपने डाल दिया उसमें, तो ये क्या होता है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इनके इर्द गिर्द क्या है, इनके सराउंडेड में क्या है आंसर होता है, तो वो चीज़ आप डाल सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर एनालिसिस, ये क्या होता है कि क्वेश्चन और आंसर, फॉर एग्जाम्पल आज आपने आंसर लिखा कोई अच्छा सा, बहुत अच्छा सा आंसर लिखा, ठीक है, आपको लगा परफेक्ट आंसर है, इससे ऊपर तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता। अब वो आंसर आपने लिख लिया, लेकिन अगर आप इस किसी और से चेक करवाएं, वो बंदा कहे कि यार ये लिखा क्या है, मैं तो इसका एक नंबर भी ना दूं, तो वो क्या करेंगे, आपको जो भी आंसर या क्वेश्चन आपने लिखा है उसका एनालिसिस कराना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी आपने लिख दिया और वो हो गया काम, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो क्वेश्चन एंड आंसर एनालिसिस पे ध्यान देना है, क्या पता आपने जो लिखा हो वो बिल्कुल ही रिवेलेंट ना हो, ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो आंसर, क्वेश्चन और आंसर का एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमें क्या है, मॉडल आंसर्स दिए होते हैं, टॉपर्स की आंसर कॉपी मिल जाती है हमें, तो ये सब चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट भर रखा है इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो यूज़ दूज रिसोर्सेज एंड सो आज हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, बड़े बड़े पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर आप कॉपी लेके ये पेन लेके नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ उठिए और लिखिए इनको, कि आंसर राइटिंग के लिए हमें चाहिए एग्ज़ाम पैटर्न, इंपॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग बहुत है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। प्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या होती है, नो योर सिलेबस, प्रीवियस ईयर देख लो, नॉलेज बेस बना लो अपना, नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट है भाई, अभी से प्रैक्टिस करोगे प्रेजेंटेशन की तभी तो बना पाओगे ना, तो वो शॉर्ट में लिखना है, क्रिस्प में लिखना है, ये टॉपिक आएगा तो मैं कैसे, टॉपिक वाइज अगर नोट्स बनाते हो तो दैट्स वेरी गुड। न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अभी कीजिए, आज का न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, क्लियर, हाँ, और देन मेक योर हैबिट। रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना है तभी तो लिख पाएंगे अगर कंटेंट होगा, तो ये तो कंटेंट वाली चीज़ है, ये तो बताने वाली होती भी नहीं है। तो फ्लो चार्ट्स
डायग्राम्स टेबल्स ये डालना है, कीवर्ड्स डालनी है, डेफिनेशन डालनी है, कोटेशंस डालनी है, क्वेश्चन डायरेक्टिव्स को समझना है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको पूरा, डिकोड डिकोड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझ लो पहले फिर ही आंसर लिखोगे, तो आंसर को डिकोड करना है बाद में। स्ट्रक्चर, कंटेंट और प्रेजेंटेशन के बारे में आपको बता दिया डिटेल में। सॉल्ट ऑफ आंसर राइटिंग के बारे में बता दिया कि फैक्ट्स डाल देना, स्कीम्स डाल देना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस डाल देना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एंड लॉस डाल देना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स डाल देना, और गवर्नमेंट कम्युनिटी कमिटीज़ और उनकी रिपोर्ट्स डाल देना, मैप्स डाल देना, फ्लो चार्ट्स डाल देना, डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस एंड कीवर्ड्स, ये सब आपने डालना है। हाँ, जो भी आप क्वेश्चन लिखे प्लीज़ 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 उसको चेक करवा लें किसी से, ठीक है। प्लीज़ चेक करवाइए किसी और से, चाहे कि अपने ही एस्पिरेंट से, बगल के एस्पिरेंट से करवाएं, या कुछ भी किसी टीचर के पास जाएं, किसी ऑनलाइन मीडियम से आप चेक करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना भी इम्पॉर्टेंट है। जो भी मॉक टेस्ट थी तो वो चीज़, टेस्ट सीरीज़ आप अगर ज्वाइन करते हैं तो वो चीज़ भी हो सकती है कि आपको कोई बताए, आपको फीडबैक चाहिए। मेन चीज़ जो है कि आप लिख रहे हैं, आप कितने पानी में, कितने दूध में है, तो उस चीज़ को जानने के लिए फीडबैक इम्पॉर्टेंट है ना। कि आपको ये भी पता लगेगा कि दूसरे एस्पिरेंट्स कहाँ तक जा रहे हैं, उनकी क्या स्किल्स हैं, तो ये चीज़ क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास कोई आता है कि एस्पिरेंट है आपका दोस्त एस्पिरेंट या फिर दुश्मन एस्पिरेंट, कि क्या है, मेरा आंसर चेक कर दो, तो प्लीज़ उनका आंसर चेक करना, एटलीस्ट पढ़ देना, पढ़ लेना और मार्क्स बता देना, थोड़ा ज़्यादा ही बताना, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो उनके आइडियाज़ हैं और आपका आंसर राइटिंग का तरीका, आप उनसे कुछ सीख भी सकते हैं। सो इस चीज़ पे पूरा अच्छे से रहना कि हाँ, मुझे हेल्प भी करनी है और ख़ुद के लिए भी मैं काफ़ी कुछ अच्छा कर लूँगा। सो आई होप आपको काफ़ी हेल्प की होगी वीडियो ने। और मैंने ये सब द आंसर राइटिंग मैनुअल, जो श्रुति देशमुख की बुक है, तो वहाँ से मैंने ये सब कुछ जो चीज़ें हैं, कंटेंट है, लिया है। एंड हाँ, कईयों के पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं होता, समराइज दिस एवरीथिंग फॉर यू। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अब आपको वो बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब जानते हैं उसमें है क्या, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली। आई होप काफ़ी हेल्प किया होगा इस वीडियो ने आपको। एंड हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, ओके। सो साइनिंग ऑफ, आई आर मार्ची, बाय बाय, थैंक यू।